राकेश जी, जिस तरीके से राज्यपाल जाते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं और हेमंत सोरेन पर जो लगे आरोपों का जवाब देते हैं, आपको लगता है सरकार कहीं ना कहीं घिर चुकी है और आने वाले समय में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? क्या नहीं, देखिए मुझे यह लगता है कि राज्यपाल का दिल्ली दौरा गृहमंत्री से या प्रधानमंत्री से मिलना, यह एक उनका रूटीन वर्क हो सकता है। सरकार पूरी तरह स्थिर है, सरकार पूरी तरह मजबूत है, सरकार के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाख प्रोपगंडा कर लें, लाख सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करें, लेकिन चूंकि यह लोकतंत्र में राज्य की जनता के समर्थन, आशीर्वाद और प्यार से महागठबंधन की सरकार बनी है और हमारा समर्थन जनता के प्रति है, जनता के विकास के प्रति है। महागठबंधन की सरकार यह चाहती है कि कैसे हम राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुँचाने में मददगार साबित हों, तो स्वाभाविक तौर पर सरकार अपना काम में लगी है और भारतीय जनता पार्टी अपने काम में लगी है। तो जिनका दिल और दिमाग साफ नहीं होता, ईश्वर उनको भी बरकत नहीं देता, तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी भी बरकत इस काम में नहीं मिलेगी। एक बात बताइए, राज्यपाल हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, लेकिन आपको लगता है आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट हो गया है राज्यपाल, गवर्नर का पोस्ट भी थोड़ा सा पॉलिटिकल हो रहा है, आप ये कह सकते हैं क्या? नहीं, देखिए हमें यह लगता है कि सिर्फ गवर्नर का पद नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो 2014 के बाद से जिस प्रकार इस देश में सारे संवैधानिक संस्थाएं का चयन कर दिया गया, आप देखें कि ये आज़ाद भारत की इतिहास की ये भी घटना है इस हिंदुस्तान में कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के द्वारा या उनके लोगों के द्वारा देश के संविधान की प्रतियां तक जला दी गई है। तो हमें यह लगता है कि जब अपने स्वार्थ के बसीबूत आप तंत्र का उपयोग करके जब लोकतंत्र को आप कलंकित करते हो, तो हर एंगल पे कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग किया करते हैं। बिजली संकट पे तो राज्य में हाहाकार मचा हुआ है, कहते हैं बेसिक बिजली भी मुहैया नहीं कराई जा रही, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये सही है कि बिजली की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ाई है, इसमें कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं, लेकिन हमें यह लगता है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने पूरी संजीदगी के साथ इस मामले को गंभीर लिया है और आप देखें कि पूरे देश में वर्तमान में बिजली की संकट चरमराई है, क्योंकि केंद्र सरकार से हम 150 मेगावाट बिजली मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार हमें 50 मेगावाट बिजली दे रही है, तो 100 मेगावाट बिजली का जो ड्यूरेशन है अगर केंद्र सरकार हमें दे दे, हम तो यह भी कह रहे हैं कि आप रुपया लो हमसे, हम तो पैसा देने के लिए भी तैयार हैं केंद्र की सरकार को, हम तो 150 मेगावाट बिजली के लिए पैसा भी देने को तैयार हैं। ये जो पक्षपात है, इससे क्या कारण हो सकता है? नहीं, पक्षपात तो देखिए एक बिंदु पे पक्षपात नहीं है केंद्र सरकार का, कोई एक बिंदु पे अगर पक्षपात हो तो आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन जब सर से लेकर के पैर तक अगर पक्षपात हो तो उस पर टिप्पणी क्या किया जा सकता है? तो केंद्र सरकार हमें 150 मेगावाट बिजली दे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सड़कों पे हाहाकार रैली निकाल रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मोदी जी के सामने छाती पीट करके कहें कि क्या हम जब रुपया हमारी सरकार राज्य की सरकार देने को तैयार है तो आप हमें 150 मेगावाट बिजली दो, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे कि उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। एक बात बताइए, पंचायत चुनाव को लेकर इल्लीगल कहा जा रहा है, राजभवन के समय धरना दिया जा रहा है आदिवासियों के तहत, ताना भगत के तहत कहा जा रहा है कि आदिवासियों पर थोपा जा रहा है, पांचवी सूची का उल्लंघन है, क्या कहेंगे? नहीं, हमें यह लगता है कि देखिए पंचायत का चुनाव होना इस राज्य के लिए जरूरी था, अगर हम पंचायत का चुनाव नहीं करवाते तो स्वाभाविक तौर पर इस राज्य में विकास अवरुद्ध होता। पंचायत चुनाव का मतलब होता है गाँव की सरकार गाँव में, तो जब गाँव की सरकार गाँव में बनेगी तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पर उस गाँव का विकास होगा। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सांसद राज्य के एक एक गाँव को इन लोगों ने गोद लेने का काम किया था, लेकिन आज वो स्थिति क्या है? आज उस गाँव की स्थिति का अगर आप आकलन कर लें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा ली गई गोद गाँव को, उसमें आज कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। तो अगर गाँव की सरकार गाँव में बनेगी तो स्वाभाविक तौर पर गाँव का विकास होगा। और जो पांचवी सूची की जहाँ तक बात है, तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, यह राज्य ही आदिवासियों के लिए बना है, तो जब राज्य ही आदिवासियों के लिए बना है, जब इस राज्य का मतलब ही आदिवासी और मूलवासी के विकास के लिए है,
तो हमें लगता है ये सब मामला उठा करके एक दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है।